हमारे एडवोकेट जीएम पटेल साहब को बुलाना चाहूँगा। वो आप नेक्स्ट उनका टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, उसके ऊपर वो गुप्तगु करेंगे। असल में मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। अभी मेरे एक दोस्त जनाब एडवोकेट दाऊद भूरीवाला साहब से मेरी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने कहा भाई इस तफ़ीम शरीयत के प्रोग्राम में आरओआर का क्या कोई संबंध नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। तो इस ताल्लुक से मेरा कहना यह है कि आरओआर ये ऐसी एक बुनियाद है जहाँ से हमारा पर्सनल लॉ शुरू होता है, लेकिन बदकिस्मती से हमारी उधर तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड में सबसे बड़ा जो है इस सिस्टम को संभालने का जो काम है कानूनी तौर पर वो है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर के बाद में कलेक्टर, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सर्कल इंस्पेक्टर और बाद में तलाटी। ये तलाटी के पास इतने अहम कागजात और दस्तावेजात रहते हैं कि हमें उसकी खबर तक नहीं रहती। बहरहाल ये तो रहा आरओआर का मसला और हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ। सबसे पहले मैं हमारी बहन असीमा पटेल, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में भी खाली अगर ऐसे जी शऊर, बाजौक, बा हिम्मत और इतना अच्छा ख्याल रखने वाली बहनें अगर तैयार हो जाए तो माशाअल्लाह तफ़ीम शरीयत का भी काम और हमें जो ये पर्सनल लॉ के मदाखलत की जो आज ज़रूरत आ पड़ी है वो इंशाअल्लाह ऐसे बहनों के ज़रिए से बहुत जल्द दूर हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि हम अक्सर टीवी चैनल्स पर देखते हैं जो मीडिया वाले, हुकूमत का भी उनको साथ है, जो अपना जो एजेंडा है उनका, जो हम पर एक किसी मखसूस मजहब को मुसल्लत करना चाहते, जो हमारी तालीमी, जो हमारी सकाफती, जो हमारी माशी, जो हमारी धार्मिक रिलीजियस, हमारी कस्टम्स, इन सब पर उनका असर डालने के लिए कई हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें हमारी माओ बहनों का एक झूठा बहाना उनको मिल जाए तो उसका वावेला मचाकर कुछ हमारी ही बहनें जो भटकी हुई है वो उनको मिल जाती है और बिला वजह की जो कोई टॉपिक नहीं है आज हिंदुस्तान में, जिसका कोई मसला नहीं है, वो मसला खड़े कर हमारे बहनों को, हमारे माओ बहनों को हमदर्दी जताने में ये लोग लगे हुए हैं। और इस तरह से अगर हमारी माए बहनें ऐसी तैयार हो जाएंगी तो उनका मुकाबला बड़े ही अच्छे ढंग से कर सकती है। खैर मेरा जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ टाइम तो नहीं हुआ ना जी, ये जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स है महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 का जो कानून है इसमें जो है तो एक तीन डिवीजन किए हुए हैं। वो तीन डिवीजन गांव नमूना नंबर 6(1) है, उसमें जो है तो फेरफार या म्यूटेशन का जो है तो पूरी नोंद होती है, एक म्यूटेशन का रजिस्टर होता है,
म्यूटेशन की पूरी मालूमात होती है, म्यूटेशन कब कब होता है, कैसे कैसे होता है, उनके क्या क्या हालात है, और ये सारी मालूमात हमको गांव नंबर 6 में मिलती है। अब ये जो म्यूटेशन के अलग अलग तरीके उसमें बताए हुए हैं, अलग अलग वजूहत उसमें बताए हुए हैं, जैसा कि सबसे पहले तो ये आता है कि हम अगर कोई रजिस्टर डॉक्यूमेंट अगर करते हैं तो उसके जरिए से म्यूटेशन होता है। दूसरा ये कि अगर कोई गिफ्ट, हिबा, दान वगैरह जो करता है ये जो है तो इसके जरिए से भी म्यूटेशन होता है। वैसे ही आपस में हम पार्टीशन करते हैं, उसका कोई दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट अगर है तो उसके जरिए से भी म्यूटेशन होता है। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पर मैं कहूँगा कि मुसलमान जब तक जिंदा है, जब तक के उसके ज़िंदगी में वो पार्टीशन नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास देहातों में अक्सर ये होता है कि बाप या वालिद जो है अपने आप से खुद ही एक कागज़ बना लेते हैं, एक दस्तावेज बना लेते हैं और पार्टीशन कर देते हैं। अगर खुदा नखास्ता आगे चलकर डिस्प्यूट अगर हो गया तो वो कलदम हो जाता है, आगे चल के कोर्ट में टिकता नहीं, क्योंकि बाप की ज़िंदगी में मुसलमान को पार्टीशन का कोई हक नहीं है और हमारे पर्सनल लॉ में ये पार्टीशन का कंसेप्शन ही नहीं है। इस तरह से ऐसे कई बातें जो है ये गांव नंबर 6 में आते हैं। उसके बाद गांव नंबर 7, ये इसमें राइट्स का ये कॉलम होता है। इसमें राइट्स में कई किस्म के ये आते हैं जो कि एक तो विरासत से मिलता है, वाटनी से मिलता है, खरीदी से मिलता है, देनगी से मिलता है, पट्टे का है या और किसी तरीके से जो भी लैंड उसको मिलती है उसके ऑक्यूपेशन में आती है, ये जिस तरह से जो भी नेचर से उसके पास वो ज़मीन उसके ऑक्यूपेशन में आती है उसका रिकॉर्ड जो है तो ये नमूना नंबर 7 में उसके कॉलम में लिखा जाता है। यानी मालिकी हुकूक उसका कैसा है, किधर से आया, ये पूरा के पूरा रिकॉर्ड हमको नमूना नंबर 7 में मिलता है। अब रहा 7-12 के नीचे, जो नीचे का जो कॉलम होता है वो 12 का कॉलम होता है, उसको नमूना नंबर 12 के तहत उसमें कार्रवाई होती है। और उसमें जो जमीन कसता है, जो काश्त करता है, उस काश्त करने वाले का नाम लिखा होता है, उसके ईयर्स होते हैं, कौन से कब से कब तक के ये ज़मीन काश्त कर रहा है, इसके बारे में पूरी मालूमात होती है, लिखी जाती है। और ये जो उसकी पैर है ये किस हैसियत से आया हुआ है, आया मालक बोल के है या इसके पास गहन बोल के है, या ये ज़मीन जो है तो इसने टेनेंसी के ऊपर ली है, या और भी जो कई तरीके जो होते हैं उस तरीके से वो लोग वो उसकी एंट्री जो है तो तलाटी के पास होती है और उसकी पूरी मालूमात ये जो है तो नमूना नंबर 12 में लिखी जाती है। इस तरह से ये जो 3 जो डिवीज़न है उसके ख़ास तौर पे नमूना 6, नमूना 7 और 7 नमूना 12, ये 7-12 के ऊपर पूरा के पूरा इसका हम मालूमात मिल सकती है। इसी तरह से जो है तो और भी कई उसमें उसके कॉलम्स है, ये कॉलम काफ़ी यानी 1 से लेकर तो 31 नमूने तक के ये इसमें दिए हुए हैं महाराष्ट्र ला रेवेन्यू कोड में। और इस तरह से ये महाराष्ट्र ला रेवेन्यू कोड का भी हमारा काफ़ी ताल्लुक है और हमने इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि जैसा भाई अभी हमारे खिज़र पटेल ने कहा कि भाई इस मसले के ऊपर भी वकीलों ने गौर करना चाहिए, हमारे नवाब पटेल ने भी कहा, तो मैं भी ये कहूँगा कि भाई देहातों में जहाँ तलाटी वगैरह रहते हैं, पटवारी वगैरह रहते हैं, उन तक के भी हमारी अगर कुछ कोशिश अगर हुई तो हमारे जो शुरुआत में जो हमारा प्राइमरी डॉक्यूमेंट जहाँ से बनता है उस लिहाज से हमने वहाँ पर भी उसकी इसलाह करना चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता कि सबके एक सा राइट्स उसमें लिख दिए जाते हैं, लड़कियों का भी उतना ही लिख दिया जाता, लड़कों का भी इतना ही लिखता, बहनों का भी, भाइयों का भी, उनका भी कभी लिखा भी जाता नहीं तो कभी उड़ा भी दिया जाता, ये इस लिहाज से ये हमारा नुकसान हो सकता। इतना कहकर मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ।